मणिपुरी के किन हीरोइनों को आता है लजीज खाना पकाना। जी हाँ, एक्टिंग में पारंगत ये हमारी भोजपुरी की खूबसूरत अदाकाराएं कितना बना पाती हैं अच्छा खाना। तो चलिए आज हमारे इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कौन सी हीरोइनें बनाती हैं बेहतरीन खाना। तो शुरुआत करते हैं काजल राघवानी से। जी हाँ, काजल राघवानी ज्यादातर तो शूटिंग में व्यस्त रहती है और शूटिंग के सिलसिले में ये ज्यादातर टाइम घर से काफी दूर रहती है। आपको बता दें कि काजल राघवानी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती है, वो ज्यादातर होममेड खाना खाती है, इसलिए वो अपना छोटा सा किचन अपने साथ लिए चलती है, यानी कि अपना इंडक्शन गैस वो लिए चलती है। जहाँ जाती है अपने रूम में ही वो अपना खाना खुद बनाती है और खुद खाती है। जी हाँ, काजल राघवानी को भले ही अच्छी और डिलीशियस खाना न बनाने आए, लेकिन काजल राघवानी चाय बहुत अच्छा बना लेती है, साथ ही साथ वो दाल चावल और रोटियां भी अच्छी बना लेती है। इसलिए वो जब भी कभी बाहर रहती हैं और उनकी माँ उनके साथ अगर न रहे तो वो बाहर का खाना खाना बिल्कुल प्रिफर नहीं करती। अगर वो बाहर का खाना खाती भी है तो प्रिफर करती है कि वो चाट खाए। जी हाँ, काजल राघवानी को चाट बहुत पसंद है, इसलिए वो चाट खाना बहुत पसंद करती है। और अब चलते हैं अक्षरा सिंह की तरफ। जी हाँ, अक्षरा सिंह को खाना बनाने में महारत हासिल है। अक्षरा सिंह बहुत अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन वो सबसे अच्छा नॉन वेज खाना बनाती है। जी हाँ, आपने रिसेंटली एक फोटो देखा होगा जहाँ की अक्षरा सिंह अपने यूनिट मेंबर के लिए चिकन बना रही थी और ये फोटो मीडिया में काफी वायरल हुआ था। अक्षरा की माँ ने तो वो चिकन बहुत बेहतर बना लेती हैं और वो जब भी घर पर होती है या घर में मेहमान आए होते हैं तो वो चिकन बनाना प्रिफर करती है। तो चलते हैं हरदिल अजीज आम्रपाली दुबे के पास। जी हाँ, आम्रपाली दुबे भी ज्यादातर बाहर का खाना अवॉइड करती हैं। वो जब भी बाहर शूट करती हैं तो अपने साथ वो अपना छोटा सा किचन कैरी करते हुए चलती है। उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि वो बाहर का ज्यादातर खाना अवॉइड करती है, घर का खाना प्रिफर करती है। घर का ज्यादातर वो सादा खाना पसंद करती है, दाल चावल रोटी सब्जी। और आपको यकीन नहीं होगा, आम्रपाली दुबे ये सारी चीजें बना भी लेती हैं। अगर वो निरहुआ के साथ शूट करती हैं तो खाना निरहुआ बनाते हैं। ठीक आम्रपाली दुबे की तरह रानी चटर्जी भी जब भी शूटिंग के सिलसिले में बाहर रहती हैं, वो बाहर का खाना कम पसंद करती हैं। ज्यादातर वो खाना घर का ही मंगवाती हैं, अगर वो मुंबई में शूट करती हैं तो। अगर वो मुंबई से बाहर शूट कर रही हैं तो वो भी अपना छोटा किचन अपने साथ, क्योंकि आजकल रानी चटर्जी जिम में ढेर सारा पसीना बहा रही हैं, अपने आप को फिट कर रही हैं, इसलिए बाहर का खाना वो बिल्कुल अवॉइड करके घर का ही खाना खाना पसंद करते हैं और ज्यादातर टाइम वो अपने हाथों से बना खाना ही खाती। हमारा ये वीडियो देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि भोजपुरी की हीरोइनें जितनी ही खूबसूरत हैं और जितनी अच्छे से अपनी अदाकारी वो फिल्मी पर्दे पर उतारती हैं, उसी तरह वो अपने सेहत का भी ख्याल रखती हैं और खाना बनाना भी जानती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।